जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं आईटी के बाद सी के बारे में। तो आप सही सुन रहे हैं, आईटी सी के बारे में। तो ये काम कंपनी करती क्या, अगर कंपनी की बात करें, फाइनेंशियल में लेके चले आप कंपनी को, कंपनी की एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई है साथ में। न्यूज़ नहीं है, अगर आप बताएं तो क्वांटिटी बहुत अच्छी उठाई गई है, बाइंग क्वांटिटी मार्केट के एंड के बाद। साथ में कंपनी के जो सीईओ है वो संजीव पुरी है, आप सही सुन रहे हैं, संजीव पुरी। और फाउंडेड हुआ था ये 1910 में, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट बहुत पुरानी है, इसलिए कंपनी बहुत अच्छे कमा रही है। साथ में एम्प्लॉय कितने काम करते हैं, लगभग 28-30 हज़ार एम्प्लॉय को ये रोज़गार देती है, जो वो एक बहुत बड़ी बात है। साथ में रेवेन्यू की बात करें तो 52,000 करोड़ इसका रेवेन्यू रहा है, और क्वार्टर रिजल्ट्स के देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ रही है, बाकी सब में गिरावट रही है। दिसंबर में गिरावट थी, सितंबर में गिरावट, जून में गिरावट। क्यों रही गिरावट, लॉकडाउन की वजह से। सब्सिडरी की बात करें तो आईटीसी होटल, आईटीसी इंफोटेक, बलन नेचुरल फूड लिमिटेड और बाकी कुछ सब्सिडरी। काम क्या करती है, एफएमजीसी की काम पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो भी एक अच्छी बात है। और कंपनी टोटल 13 बिजनेस इन 5 सेगमेंट के अंदर संभालती है। अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी के अंदर आज 210 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन गिरावट रही है 0.12% की, तो ये कुछ बड़ी गिरावट है नहीं। पिछले 5 दिन में भी थोड़ी गिरावट रही है, महीने भर की बात करें उसमें भी गिरावट, तो कंपनी अब भी तो बेहाल है। 6 महीने की बात करें उसमें भी गिरावट, 1 साल की बात करें उसमें भी गिरावट, 5 साल की बात करें उसमें भी गिरावट। मैक्स में क्यों कंपनी अच्छी नहीं, देखो मैक्स में तो हर कंपनी अच्छे रिटर्न देती है। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी आप देखें तो एफएमजीसी की भी कंपनी है, लेकिन इसकी एक बुरी बात क्या है, ये गुटखा बीड़ी और इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड फ्लेक्स, गोल्ड फ्लेक्स और किसी की नहीं, इसी की है ब्रांड। इस वजह से आप देखें तो एक तरह के तंबाकू सेवन प्रोडक्ट्स भी बनाती है, इसलिए एक नेगेटिव बात है कि ये माना जा सकता है। लेकिन अगर आपको मैं इसकी अच्छी इन बात पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं आईटीसी की आज बाइंग क्वांटिटी उठाई गई है लगभग 29-30 हज़ार की समथिंग, तो वो मार्केट बंद होते होते उठाई है, मतलब लग रहा है ये साइन है कि अगले हफ्ते के लिए कुछ अच्छा संभावना देखी जा रही है कि अगले हफ्ते कुछ पॉजिटिविटी देगी। और कंपनी की अगर रेशियो देखें तो आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर लगभग इस कंपनी में पब्लिक है, प्रमोटर है ही नहीं, 100% पब्लिक है। तो एक बुरी बात यह है कि प्रमोटर को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, 100% पब्लिक पे छोड़ रही है कंपनी। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो आज का वीडियो इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।